हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो अभी इन सबका जा रहा हूँ दूध निकालने, और मैं आज सानी नहीं दिया हूँ, मतलब सो ही रहा था। जैसे अभी उठाऊँ मम्मी उठाई है, इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो गया है, आज उठाऊँगी। खा कर अपना सानी पानी खड़ी हो चुके हैं, बस अब दूध निकालेंगे और इन सबको लगाएंगे। पर ये ज़्यादा ये जो है ना, ये ज़्यादा मतलब उछड़ता है, कुछ ज़्यादा भूख लगा रहता है। तो ये इसका, और इधर ये उसकी मम्मी, तो सब इधर है कुछ खा चुकी है, देख सकते हैं। ये भी ताक रही है, अरे दूरे दूरे क्या हुआ हुँ? और बाकी एक ये रही, दो हो रहे। तो सुबह का मौसम देख लीजिए था, तो बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको कैसा है। तो बाहर का भी कुछ इस तरह है, यहाँ पे कार खड़ी है और धूप निकल रहा है धीरे धीरे। इन सब का दूध निकाल लेते हैं, नहीं तो मम्मी बोलने लगेगी। तो इसका दूध निकालने के लिए मैं तैयार हूँ, कुछ इस तरह का। मतलब जिसका बच्चा नहीं होता है ना, जिस गाय का बेबी नहीं होते हैं, उसको ऐसे दूध निकालते हैं। मतलब क्योंकि उधर खरी ना दिए और इधर आराम से इसको दूध निकालने के लिए तैयार कर रहे हैं। ताकि एक गाय का बच्चा है जो कि वो रहा वो सही है। तो इस गाय का दूध निकाल चुके हैं और बाकी अब जा रहे हैं इस वाले गाय का दूध निकालने। फिर उसके बाद 3 गाय बच जाएंगी, तो इसका उसके बाद इसका निकालेंगे, फिर 2 गाय बच जाएगी। और इसमें टाइम लगेगा मुझे लगभग आधे से, मतलब 45 से 1 घंटा लग जाता है। 5 गाय हो चुकी है दूध निकालने के लिए ना, तो आज 45 मिनट से लेकर आधा घंटा के बीच में मैं दूध निकाल लेता हूँ। और इस वक्त हम लोग क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि बारिश हो जा रहा है और ग्राउंड गीला है, इसलिए नहीं। तो ये गाय भी लग चुका है, तो इस गाय का भी दूध निकालने हैं, बाकी ये और ये बचा है क्योंकि निकालना है। और हमको लग चुका है ऑलरेडी आधा घंटा, 3 गायों का दूध निकालने में लग चुका है। जब ये सारे गाय का दूध निकालूंगा तो लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे। तो इन सब का दूध निकाल लिए, बाकी हाँ लगाई भी तू ना लगा दे। तो अभी इन सबको अलग बांधते हैं, ये बहुत मेहनत वाला काम है लेकिन इसको करना ही पड़ेगा। तो इसको बांध दिया, उसको इसमें लगा देते हैं, बाकी सब अपने स्थान पे हैं। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो टाइम है कुछ। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 उसका। तो इन सब का तो दूध निकाल चुके हैं, लेकिन अभी मुझे एक और काम करना है, इसको और इसको सानी देना है, क्योंकि नाद कम है तो इन दोनों बाद में सानी देते हैं। तो अभी चलते हैं, ये दोनों हाथ मतलब ज़्यादा गाय है, नाद कम है, तो इसलिए इन दोनों को बाद में देना पड़ता है। तो अभी चलते हैं, इसमें पानी आते हैं, फिर इन दोनों को सानी देते हैं, क्योंकि भूखी होंगी सब ना, पहले पानी ना लेते हैं। ये रही बाल्टी, जो कि सब्जी लगा हुआ है इसमें, और मौसम कुछ इस तरह रहा। अब जाकर इन सब का काम हो चुका है ख़त्म, मतलब सुबह का, अभी शाम का काम बाकी है। और जिसको सानी देना था उसको सानी दे दिए हैं, वो दोनों खा रही हैं अपना। और बाकी अब से इस वीडियो के बाद इन्हीं सब का वीडियो आएगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर तो जा नहीं रहा हूँ, दोनों खा रही हैं अपना मुझे से। इन्हीं सब का वीडियो आएगा, क्योंकि कहीं मैं जा नहीं रहा हूँ घूमने कि बाहर का मतलब ब्लॉग करूँ जब तक। और मेरा जो मतलब ये इन सब का वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा व्यूज़ थोड़ा डाउन हो जा रहे हैं, तो अब क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर जाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, लेकिन दोनों मेरे पास नहीं। तो इन्हीं सब का वीडियो बनाऊँगा, अगर वायरल होने पर रहेगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। मतलब वायरल हो जाएगा तो भी फ़ायदा है, अगर नहीं होगा तो इसकी एक मेमोरी मेरी बनती रहेगी कि हाँ इस दिन को मैंने ये किया था, ऐसे किया था, तो ऐसे कुछ सही रहेगा। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 8, और अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं ना, मज़े से एकदम खा पी कर दूध देख कर मस्त आराम करेंगे अब 5-6 घंटा, उसके बाद शाम का काम आएगा इन सब का। और ये जो है बहुत ज़्यादा भूखड़ है ऊपर। तो अगर ये वीडियो वायरल हो गया है तो बताओ मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ अभी, कमेंट करके। तो क्या?
शाम के बज चुके हैं 4:30 और अभी जस्ट मैं आया था ग्राउंड पे अपने, यहाँ पे पहले क्रिकेट खेलते थे, मतलब एक महीना पहले, क्योंकि एक महीना पहले इसलिए क्योंकि एक महीने से बारिश ही हो रही है और ग्राउंड पे अभी तक पानी पूरा कीचड़ हो चुका है एकदम। एक महीने से ज़्यादा हो चुका है इस पर क्रिकेट खेले हुए हम लोगों को। और ये इधर बैटिंग जिस साइड से होता है ऐसा लग रहा है पापड़, जो पापड़ नहीं होता सुखा कर वैसा पापड़ निकल रहा है। और बाकी चारों तरफा पानी भरा हुआ है, चारों तरफा नहीं बस इस साइड और पीछे नहीं है, बाकी राइट लेफ्ट स्ट्रेट सब पानी ही पानी है। पता नहीं क्या सूखेगा, अभी तो और बारिश होगा तो फिर गीला हो जाएगा, तो अभी लगेगा एक आध महीना और इस पर क्रिकेट, अभी एक आध दो महीना बाद ही हो पाएगा इस पर क्रिकेट जिस हिसाब से बारिश हो रही है हम लोग की तरफ। चलते हैं घर पे और सानी पानी करते हैं क्योंकि अभी किए नहीं है, तो सानी पानी करके फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं करेंगे देखते हैं। शाम के बज चुके हैं 6:30 और आधा घंटा लेट हो चुका है और मम्मी आएगा तो अभी बहुत चुपक डांटेगी, तो अभी इन सब का दूध निकालना है, सानी पानी तो कर दिए तो अभी इन सब का दूध निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं उसके आगे। और अभी मैं चला गया था क्रिकेट खेलने इसलिए मैं लेट हो गया है, तो इन सब का दूध निकालते हैं फिर उसके बाद करते हैं। और ये बहुत छोटा सा ब्लॉग याद रह गया मेरे यूट्यूब ब्लॉग का, सबसे छोटा ब्लॉग है, मतलब 5 दुना है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच गाय धुना है, तो धोते हैं इन सबको। ओ ये रही और ये रहा बाल्टी, खरी भी हो रहा है। तो इन सब का दूध निकाल चुके हैं, बाकी ये रहा बछड़ा और बाकी ये सब खड़ी हैं अभी क्योंकि जस्ट अभी खाली हुए हैं सबसे, और मम्मी ये सब जो है अभी धोएगी पानी मारेगी इसलिए, और ये दोनों भी आज खाली हैं सुबह में। तो रात हो चुका है और रात का व्यू कुछ इस तरह है। तो लोग मैं बस अपना डेली रूटीन दिखाया हूँ, जैसे कि गायों का दूध निकालना, उनका सानी पानी करना, और उसके बाद थोड़ा बहुत ग्राउंड पे गया था लेकिन ग्राउंड खेलने लायक तो था नहीं बस, लेकिन हम गए थे क्रिकेट खेलने लेकिन कहीं और गए थे, अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेले थे। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं इससे भी खत्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और उसके बाद वीडियो मेरी ना थोड़ी देर और मतलब 8 मिनट की वीडियो रहती तो उसमें 3 मिनट 3.5 मिनट देख लोगे ना तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, इस तरह यूट्यूब इस वीडियो को और आगे बढ़ाएगा। मैं मतलब मेरी वीडियो पे हर वीडियो पे 2.5 से 3 मिनट के बीच में वॉचिंग टाइम आ जाता है, लेकिन 3.5 के ऊपर जाएगा तब जाकर मेरा वीडियो ग्रो करेगा, तो 3.5 मिनट तक वीडियो देखा करिए।